नमस्कार। दोल पूर्णिमार ए पवित्र अवसर में आपण मानक अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना जन आम रोसे को स्वागत करुष्पाजलि। दर्शक बंधु आपण मैंने तो जानते यही आम ओडा ये केते परब केते उषा आज हूँ पवित्र दोल पूर्णिमा। घरे घरे गाँ गाँ में दोल विमान राधाकृष्ण को पूजा कराऊ ठाकुर मैंने घर घर बुली भोग खाऊ एभली एक शुभ अवसर में समस्त शुभमनासी चलत आरंभ करवा आम कार्यक्रम। आज मो सहित अच्छा शेफ गुरु प्रथम स्वागत करवा और देखा आज भाई दिन में से आमको कौन बन देखे। हेलो शेफ, आपण को आम कार्यक्रम को बहुत बहुत स्वागत एवं दोल पूर्णिमा अवसर में शुभेच्छा। धन्यवाद। कौन आपण नहीं आर्शक मान आज आम दर्शक मान प्रथम नहीं गाजर पालुआ खीरी गाजर पालुआ खीरी एवं द्वितीय रखछु छेनापोड़ खट्टा छेनापोड़ खट्टा। अच्छा, ये जो पालुआ खीरी बनेबा कोन सब दरकार सिति पे एथि पे हमें किछि ग्रेटेड गाजर ने जैछि सागु ने जैछि किछि पालुआ ने जैछि इलायची क्रॉस इलायची चेरी काजू किसमिस किछि ग्रेटेड खुआ हीरो सुगर मिल्कमेड देसी घी एको ने हमें प्रस्तुत करबा गाजर पालुआ खीरी। ओके, आपण मैंने देखिले गाजर पालुआ खीरी बनवाई कौन सब सामग्री दरकार। ये दोल पूर्णिमा अवसर एवं आसतु बनवा गाजर पालुआ खीरी बनवा आरंभ करवा। प्रथम आम फायर ऑन करदे गोटे कड़े बसइले आ गोटे फ्राई पैन बसइले। ओके, आम प्रथम किसी देसी घी नि आउ पूजा पर्व मानक घी ही बेसी प्रिफर करते प्रिफर करते कारण समस्ते चाहते बिना प्याज रसुण एवं देसी घी प्रस्तुत खाद्य खाया जेतु आज पवित्र दोल पूर्णिमा माने समस्त भी स्वीट आइटम भी स्वीट आइटम पसंद करते एथरे मध्ये हमें 2 चम्मच देसी घी दबा जेतु हमर यार ना रखीचे गाजर पालुआ खीरी किंतु आमे मने मने क्वेश्चन आसो आमे गाजर पालुआ खीरी से तो पुनी सागु काहे कि नै जे एक्जेक्टली किंतु हमर गाजर पालुआ से तो सागु रे टिके कॉम्बिनेशन थाए। अच्छा, हमर अपन जे कोनोसी घरे माने अपन पालुआ खीरी बनोचंदे किबा गाजर को अन्य कोनोसी नै कि ताय से त आमे किछि परिमाण रे सागु मिक्स करले से खीरटा बा टेस्ट बढी जाय थाए। अच्छा अच्छा, बतानो घी गरम हे गलाने बर्तन आम कि काजू नहीं कि किसमिश नहीं भलावे फ्राई करदे येपटे आपको भाजला भितर कि अल्प गाजर नहीं फ्राए करदे अल्प टे कि गाजर बर्तन ये भाजीगले बर्तन बंद करदे आम तेल को मोर घी ये टाइप आम भाजी गाजर पानी मरी जाए पर फ्राई करके फ्राई कर सत्ते सहे ग्राम गाजर रे हमें 500 ml खीर नि 100 ग्राम गाजर नबा 500 ml मिल्क मिल्क नबा बर्तन देखंतो आमे सागु नेले सागु को आमे प्रथम भिगे दे छ बॉईल कर प्रथम भिगे दे छ दर सागु आमे नेले 2 चम्मच नेले पाळो मध्ये नेले 2 चम्मच 2 चम्मच ने पाळो नबा 3 चम्मच 3 चम्मच। ओके, आको भल आबे आमे मिक्स कर देबा आको अल्प किछ आमे पानी ऐड करले आको भल आबे ए टाइप रो मिक्स कर दो। यदि हमरा पालोटा फला पे मिक्स होबनी हमें ए टाइप रे मध्य हाथ रे मिक्स करि परिबा मिक्स करि परिबा ए टाइप रे मिक्स कर देले बर्तन देखंतु हमर किछे शुगर नै जे छे एसे त हमें किछे शुगर को ऐड कर देले माने जहार जति स्वीटनेस दरकार 30 रु 40 ग्राम शुगर आमे एसे तो ऐड कर देले। ओके, एटा पर ओला आमे मिक्स कर देले बट्टा म किछि इलायची पाउडर ने जाय छी क्रॉस इलायची। ओके,
टाइप रिच्छे क्रस इलेज को आम सहित आड कर बर्तन पाल नहीं जागु नहीं सहित कि आम मिक्स करद पाल एवं शु बर्तन टिके आम स्लो फायर करद टाइप र यदि आउ चाहे टिके थिन करिया को म थिन मध्य करि परिबा मिल्क मेड ने आइछे मिल्क मेड मध्य आइतरे 2 रु 3 चम्मच मिल्क मेड कारण पालुओ कुक होवा पई बहुत कम समय लागिथे एसे त खुआ किछि नै जेछे खुआ मध्य में ऐड करा हला देखो एमको जो फ्राए करा केवल आम गाजर को ही फ्राए करिया बाकी सब गाजर को फ्राए मैंने टिके जस्ट देसी घी पक सते करदे बाकी सब आम फुट फुट कारण बहुत समय फुटबन कम समय भितर फुटी जाए बर्तन देखु ये अलरेडी प्रस्तुत हो गले सहित आम कि काजू किशमिश नहीं अल्प किसी काजू किशमिश या सहित आड करदे जस्ट अल्प किसी आड करदे काजू किशमिश अल्प किसी रखिले गार्निशिंग काजू किशमिश मिक्स कर सारापर यही भाव में आम मिसाई दवा कारण पालु एमती गोटे जिनस ठंडा कर सारापर से किछि समय रही सेला परे पुनी ठीक हे जीव हां साधारण देखंतो हमर हमको प्रथम रु ए देखंतो ता कंसिस्टेंसी ए टाइप रो हवे से किछि समय रहला परे ता कंसिस्टेंसी पुनी ठीक हे जीव एटा आमे बधे गरम तो खाई परिया ठंडा करिके भी खाई ठंडा कर खाइले ता टेस्ट आहुरी भल लागै थे हम ने जाय छी किछि काचू किसमिस ए टाइप रो त ऊपर में गार्निशिंग दे देले ए टाइप रो बर्तन किछि चेरी एवं खुआ ने जाय छी ऊपर किछि खुआ एवं चेरी ये टाइप आम गार्निशिंग करदे जदि आउ टिके आम टेस्ट करिया को चाहिबा या परे अल्प किसी जस्ट देसी घी आड करदे एबे तो आम प्रस्तुत हो गला गाजर पालु खीरी एबे अपन टेस्ट कर देखंतु केमते हेछि निहाती भाव में बहुत एटा गोटे यूनिक खीरी आइटम मु मो कथा जदि कहि मु केबे पाळुआ खीरी टेस्ट करिनी सेतिर बहुत बढ़िया है बहुत टेस्टी माने चावल खीरी टू डिफरेंट अच्छे एटा और समस्ते इजी भी अच्छे समस्ते घरे बने पारे कम समय में मथा प्रस्तुत कर परिवे हां आपण माने देखिले गाजर पाळुआ खीरी किबळ भाव में प्रस्तुत थला एबे लिखि रखंतु ए खीरी पई आवश्यक होतबा सामग्री गाजर 100 ग्राम सागु 100 ग्राम पाळुआ 100 ग्राम घी गोटे चम्मच काजू अल्प किशमिश अल्प क्षीर अल्प चीनी 40 ग्राम गुजराती अल्प मिल्क मेड 2 चम्मच खुआ 50 ग्राम चेरी अल्प और लुण स्वाद अनुसार प्रस्तुति प्रणाली प्रथम दुईटी पैन बसातु प्रथम पैन रे अल्प घी और द्वितीय पैन रे मध्य घी गरम करंतु प्रथम पैन रे घी गरम हो गले काजू और किशमिश को भाजंतु द्वितीय पैन रे 100 ग्राम गाजर और अल्प खीर को पकाई फुटांतु गोटे बाउल रे 100 ग्राम सागु 100 ग्राम पाळु और सामान्य पानी दे मिक्स करंतु द्वितीय पैन रे 40 ग्राम चीनी अल्प गुजराती मिक्स करथिया पाळु और सागु 2 चम्मच मिल्क मेड 50 ग्राम खुआ भाजीथिबा काजू और किशमिश पकाई मिक्स करंतु शेषरे सर्विंग प्लेट को काढ़ी
काजु किसमिस खुआ और चेरी रे गार्निश करी सर्व करंतु गाजर पाड़ुओ खीर। एबे आसंतु बनेबा छेनापोड़ खट्टा। सेफ छेनापोड़ खट्टा बने पे कौन सब सामग्री दरकार? छेनापोड़ खट्टा पे हमें किछे छेनापोड़ नै जेछि किछे सेओ अंगूर व्हाइट ग्रेप्स एवं ब्लैक ग्रेप्स करी पत्ता ग्रीन चिल्ली काजु किसमिस रेड चेरी हल्दी पाउडर चिल्ली पाउडर पंचफुटन किछे ग्रेटेड नड़िया क्रॉस इलायची देसी घी सुगार आंबकसी अदा किछे आंबुल रस एवं किछे तेंतुली रस याकु नै हम प्रस्तुत करबा छेनापोड़ खट्टा बनेबा। ताहेले प्रथमे हमे फायर ऑन कर दबा। हमरो कड़ाई गरम हा भितरे हमें किछे नै जाइछि आंबकसी अदा आंबकसी अदा को हमें एई टाइप रो। अच्छा सेफ आम तो विभिन्न प्रकार खट्टा बनई थाउ आ देखिया गले छेनापोड़ एक्चुअली गोटे स्वीट डिश से गोटे खट्टा प्रस्तुत करिया माने एटा पर्टिकुलर को जगार डिश ना सेफ मानकर गोटे इनोवेटिव आईडिया ये कौन सी सेफ मानकर इनोवेटिव नुहे ये एक्चुअली हमर नया डिश रो फेमस डिश। अच्छा अच्छा माने छेनापोड़ खट्टा छेनापोड़ खट्टा बर्तन आम आंबकसी अदा को ये टाइप रहबे ग्रेट कर देले बर्तन देखन हम किछि कंचा लंका नै जाइछि कंचा लंका को कि जेहेतु आम मीठा रोचे टिके स्पाइसी रहिबो अल्प चटपटा रहिबो प्रथम देखु बर्तन आम फायर को हाई कर देले बर्तन आम कि देसी घी निया जाइछि ए टाइप रो देसी घी मिनिमम 10 ग्राम देसी घी निगला बर्तन देखु लंका ये टाइप फाड़ करदे आंबकसी अदा को आपल गोटे आपल नहींचे माने आमे केते छेनापोड़ नटर रे केते आपल नबा आमे 200 ग्राम छेनापोड़ नेले गोटे आपल नबा। ओके बर्तन देखु आमर घी मधा गरम हो गला बर्तन किछि नै आइछे कंचा लंका ए कंचा लंका को आमे ऐड कर देले बर्तन किछि पंचफुटन ए टाइप पंचफुटन दिगला या सहित किसी आंबकसी अदा बर्तन किसी नहीं जाइए करी पत्ता अल्प किसी करी पत्ता बर्तन किसी काजू किसमिस ऐड कर देले ए टाइप काजू किसमिस बर्तन देखो किसी ग्रेप्स नहीं आई है गोटा गोटा पकेगा गोटा ग्रेप्स यदि बड़ा ग्रेप्स थी बा हमें तब को हाफ करी पकेगा ये टाइप रो गोटा गोटा करना ये टाइप रो भले अब आपको मिक्स कर देले। अच्छा एप्पल नहीं आई है ये टाइप रो ग्रेप्स का साइज जो टाइप रो अच्छी एप्पल का साइज मतलब सही टाइप रो रखिया यही भाई भाव में आम आपल को छोट छोट पीस कर सहित आम मिक्स करदे मिक्स कलापर आमर नहीं किसी हल्दी पाउडर इतने अल्प किसी आम हल्दी पाउडर दिगला लंका पाउडर लंका पाउडर परिमाण टिके आम अधिक रखा बर्तन आपको मिक्स करदे बर्तन आम कि इमली पल्प आम 50 ग्राम इमली पल्प नवा या सहित आम जो आंबुल अच्छा आंबुल भी नवा इमली पल्प नवा तेंतुड़ी भी नवा ये मध्य 50 ग्राम। ओके यह सहित आम कि सुगार नहीं जाइए सुगार मध्य हमें 50 ग्राम सुगार सुगार आपको भला हमें मिक्स करदे। अच्छा
ଏଇଟା ଏମିତି ଲଟପଟ ହେଇକି ରହିବ ନା ଯେମିତି ଆମର ନର୍ମାଲି ଆମ୍ବ ଖଟା ଗୋଟେ ଥାଏ ସେଭଳିଆ ରହିବ? ଆମର ଯେମିତି ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ନାଁ ଦେଇଛେ ଛେନାପୋଡ଼ ଖଟା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖଟାର ଯେମିତି କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି ରହିବା କଥା ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ରହିବ। ମାନେ ବେଶୀ ପାଣି ବି ନୁହଁ କି ବେଶୀ ଟାଇଟ୍ ବି ରହିବନି? ଇଏ ରହିବନି, ଯେମିତି ଆମର ମିଡିୟମ୍ କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ୟା ସହିତ ଯଦି ଚାହିଁବା ଆଉ କିଛି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଗାଁ ଗହଳି ମାନଙ୍କରେ ପିଜୁଳି ମିଳୁଛି, ପିଜୁଳିକି ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବା। ମାନେ ଯେମିତି ସବୁ ଫ୍ରୁଟ୍ସକୁ ଆମେ ଫୁଟଣ ସହିତ ଫ୍ରାଏ କଲେ ପିଜୁଳିକୁ ଆଡ଼୍ କରିକି, ମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ବି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ନେବା ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିପାରିବା? ଫ୍ରାଏ କରିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ମିକ୍ସ ହେବା ଭିତରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆର ଟେମ୍ପରିଂ, ଯେହେତୁ ଖଟା ଉପରେ ଟିକେ ଟେମ୍ପରିଂ ଦେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, କାରଣ କିଛି ସମୟ ଫୁଟିଲା ପରେ ଖଟାର ଆକ୍ଚୁଆଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ। ଆମର ଦେଶୀ ଘିଅ ନେଇଯାଇଛି, ଅଳ୍ପ କିଛି ଘିଅ ନିଆଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରେଡ୍ ଚେରି ନେଇଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ରେଡ୍ ଚେରି ଆ ସହିତ ମିକ୍ସ କରାଗଲା। ଟିକେ କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ଟା ଭଲ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ରେଡ୍ ଚେରି ମଧ୍ୟ ମିକ୍ସ କଲେ। ଆମର କିଛି ଗ୍ରେଟେଡ୍ ନଡ଼ିଆ ନେଇଯାଇଛି, ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ କିଛି ଗ୍ରେଟେଡ୍ ନଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଆଡ୍ କଲେ। ଏଇଟା କେତେ ନେଲେ ଆମେ ନଡ଼ିଆ? ଆମେ 50 ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ନଡ଼ିଆ ନିଆଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗରମ ହେଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଲଙ୍କା କିଛି ପଞ୍ଚଫୁଟନ ନେଲେ, ଅଳ୍ପ କିଛି କରି ପତ୍ର ଏଇ ଟାଇପ୍ର। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଛେନାପୋଡ଼ ଯେ ନେଇଛେ ସେଇଟା କେତେବେଳେ? ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡ଼୍ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କିଛି ଆମର ଆଡ଼୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମର କେବଳ ବାକି ରହିଲା ଛେନାପୋଡ଼। ଛେନାପୋଡ଼କୁ ଆମେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଚୁନା ଚୁନା କରିଦେବା ହାତରେ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଭଲ ଭାବେ ଆମେ ମିକ୍ସ କରିଦେଲେ, ଯଦି ଆମେ ଚାହିଁବା ଆକୁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଲିକ୍ୱିଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲିକ୍ୱିଡ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ହାର୍ଡ଼, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆମେ ଆକୁ ପାଣି ଆଡ଼୍ କଲେ, ଯେହେତୁ କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଟିକେ ଠିକ୍ ହେଇଗଲା, ମାନେ ମିଡିୟମ୍ କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି ରହିବା ଦରକାର। ମିକ୍ସ କରିଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମିକ୍ସ ହେଇଗଲା, ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ ହେଇଗଲା। ଆମେ ସୁଗାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମର ଆମ୍ବୁଲ ପଲ୍ପ, ଇମ୍ଲର ପଲ୍ପ, ଚିଲି ପାଉଡ଼ର, ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର, ପଞ୍ଚଫୁଟନ, ଗ୍ରେଟେଡ୍ ନଡ଼ିଆ, ଗ୍ରେପ୍ସ ମଧ୍ୟ 2 ପ୍ରକାର ଗ୍ରେପ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କଲେ ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଛେନାପୋଡ଼ ଖଟା। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରିଂ ଦେଇଦେବା, ତାକୁ ଟେମ୍ପରିଂଟା ଆମେ ଉପରେ ଏବେ ଗାର୍ନିସିଂରେ ଦେବା। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଟେମ୍ପରିଂ ରେଡ଼ି ଅଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଭାବେ। ଅଳ୍ପ କିଛି ଟେମ୍ପରିଂ ଏଇ ଟାଇପ୍ର, ଏବେ ତ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଛେନାପୋଡ଼ ଖଟା। ଏବେ ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଉଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ତାହେଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି ଛେନାପୋଡ଼ ଖଟା, ମାନେ ଅଲଗା ଖଟାରୁ ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ୟୁନିକ୍, କାହିଁକି ସୁଇଟ୍ ଡିସ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛେ, ସେଥିରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ଆଉ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ବନେଇବା ପ୍ରୋସେସ୍ ଇଜି ଅଛି, ଯଦିଓ ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍ ଟିକେ ଅଧିକ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଛେନାପୋଡ଼ ଖଟା କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା। ଏବେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ଏଇ ଖଟା ବନେଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ। ପୋଡ଼ 100 ଗ୍ରାମ, ଘିଅ 1 ଚାମଚ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଅଳ୍ପ, ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ଅଳ୍ପ, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଅଳ୍ପ, କାଜୁ ଅଳ୍ପ,
किसमिस अल्प अंगूर 50 ग्राम तेंतुली रस 50 ग्राम आंबुला रस 50 ग्राम चीनी 50 ग्राम और लुण स्वाद अनुसार प्रस्तुति प्रणाली प्रथम प्यान बसाई गोटे चमच घी गरम करंतु सेथिरे कटा कंचा लंका पंचफुटण भृसंग पत्र किसमिस काजू अंगूर सेव हाफ चमच हलदी गुंड हाफ चमच लंका गुंड 50 ग्राम तेंतुली रस 50 ग्राम आंबुल रस और 50 ग्राम चीनी चेरी नड़िया और पोड़ को पकाई मिक्स करंतु आउ गोटे पैन बसाई गोटे चमच घी पंचफुटण और भृसंग पत्र को पकाई फुटांतु शेषे सर्विंग प्लेट को काढ़ी कंचा लंका और फुटाई फुटण और भृसंग पत्र को सजाई सर्व करंतु छेना पोड़ खटा आज पवित्र दोल पूर्णिमा अवसर आपण मैंने देखिले गाजर पाउलो खीरी एवं छेनापोड़ खटार प्रिपेरेशन प्रोसेस एवं दुटा रेसीपी घरे प्रस्तुत करूँ निजे खातु घर लोक खावाक दिंतु सेफ आज आप पवित्र दोल पूर्णिमा अवसर आसिले आम दर्शक मानक दुटा बढ़िया रेसीपी बनई देखे से आपको बहुत बहुत धन्यवाद आज टीप्स टी है हरड़ डाली बघार समय अल्प गुड़ पकातु डाली स्वाद खूब भल आस दर्शक बंधु आज तो समय ही कार्यक्रम को ये रखा जावा पूर्व दोल पूर्णिमा अवसर आपण मानक आउ थे अनेक शुभेच्छा और शुभकामना जन कार्यक्रम को ये रखु नमस्कार।